हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर पेशे खिदमत हूँ एक शानदार वीडियो के साथ। टाइटल देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि एक नया लफ्ज़ आज सुनने को मिल रहा है, एरोडायनेमिक। और ये लफ्ज़ मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। इलेक्ट्रिक डीजल, एल्को डीजल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इस तरह की ट्रेनें तो देखी है, लेकिन ये एरोडायनेमिक कौन सी नई चीज़ है रेलवे में, ये आज देखेंगे। और लगता है ऐसा ही है कि ये एक नई चीज़ होने वाली है। मुमकिन है कि ये वो लोकोमोटिव भी हों जो देखे हुए हैं, लेकिन आज ज़रा फिर इस नज़र से देखेंगे कि एल्को क्या, एरोडायनेमिक क्या होते हैं, तो शायद फिर कुछ नया सीखने को मिले। और अगर कुछ भी ना सीखने को मिला है तो कम अज़ कम दौड़ती हुई ट्रेनों के शानदार नज़ारे ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो बिला ताखीर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेन, ये ज़बरदस्त है। वंदे भारत जैसी शानदार ट्रेन से वीडियो का आगाज़ हो तो क्या ही बात है। या ये मुसलसल हॉर्न बजाता हुआ लोकोमोटिव, क्या बात है। बीकानेर से सिल्दा दुरंतो एक्सप्रेस, ये गई कलकत्ते की ओर एक लंबे रूट पे। लंबे रूट की ट्रेन को तेज़ भागना पड़ता है, और पीछे से देखें कचरा कैसे अपने साथ उड़ाती है। ये कितना बड़ा लोकोमोटिव है, ओ ये तो फ्री ट्रेन है, बड़ा रोब वाला WDG है। लगता है लगा भी डबल है। हाँ डबल लगे हुए हैं। इसके बावजूद इतनी रफ्तार नहीं बन पा रही, लगता है कुछ कोयला वगैरह ही लोड किया है। अच्छा खासा भारी भरकम, ये एक बैग 12 होता तो इन दो का मुकाबला डट के करता। शायद इस वीडियो में भी घूमता फिरता बैग 12 आ ही जाए। ये हॉर्न बड़ा शानदार निकलता है जब वो ट्रेन के पास से गुजर जाते हैं ना, पटना से हावड़ा। अच्छा ये फिर इसका मतलब है ईस्ट वाली साइड पे कहीं खड़े हैं, पटना बिहार हावड़ा बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये उस ट्रैक के ऊपर खड़े हैं ईस्ट इंडिया वाली साइड पे। ये बिल्कुल ही आज एक नया लोकोमोटिव है। ट्रैक के साथ साथ कचरे के इशू आ रहे हैं। ये जो सवारियां हावड़ा से रामपुर, ये कचरा फेंक देते हैं लोग यार, वैसे ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। हम पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये बात है इस कचरे के उड़ने से ट्रेन की रफ्तार का अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है। कोई नहीं, आस्ता आस्ता लोग एजुकेट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। अपने मुल्क को हम खुद साफ़ रखेंगे, चाहे पाकिस्तान वाले चाहे भारत वाले, लेकिन फ़िलहाल इन ट्रेनों का मज़ा लें। ये भी कलकत्ते की ओर आती जाती ट्रेन, छोटी थी यार। जहाँ फिर ये तो कोई लोकल लग रही है यार। ये वो ट्रेन है जो मेरे ख्याल हर 10 किलोमीटर के बाद आधे घंटे का स्टॉप लेती है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम किराए में अपनी मंजिल पर पहुँचाना है, लेकिन ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जो अब गुजर रही है। ये तो कोई राजस्थानी लगती है, नहीं, अजमेर से सिल्दा की सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये सही है भाई, राजस्थान से वेस्ट बंगाल की तरफ 1500 किलोमीटर का तो रूट है इसका भी। ये शानो शौकत वाला लोकोमोटिव, ये हुई ना रफ्तार, लगता है कैमरा बिल्कुल ही साथ लगा दिया ट्रेन के। अमृतसर से कलकत्ता इतनी रफ्तार होती है, वो कैमरा जितना दूर हो ना स्पीड उतनी थोड़ी लगती है। ऐसे तो मानो लगता है कि बिल्कुल ये 200 पे जा रही है। स्किपिंग जो स्टेशन के ऊपर होती है ना, वो बड़ी शानदार होती है। ये भी कोई इलेक्ट्रिक है, WAP 7 है। डब्बे एक सारे हों तो, एक साथ के हों तो अच्छे लगती हैं ज़्यादा, मुख्तलिफ वाले को ज़्यादा जचते नहीं हैं, इसलिए तो इसे भी लाइन गाड़ी कहते हैं। सारी एक लाइन में एक जैसे अगर डब्बे हों तो
देखते हैं जी, अभी सबज झंडा दिखाते हुए आ रही है। ये रफ्तार को लेकर थोड़ी सी स्लो लग रही है भाई। अहमदाबाद से कलकत्ते जाने वाली, यहाँ कोई थोड़ी हटवी भी है ना शायद, इसलिए भी रफ्तार थोड़ी लग रही हो। शहर दोनों ही बड़े हैं, ये बीच में डब्बा ही नया लगा हुआ है तो इसलिए ट्रेन भी अच्छी खासी है। दोनों ही बड़े शहर हैं, कलकत्ता भी और अहमदाबाद भी। ये देखो ना, बिल्कुल ही कैमरा करीब रखा हुआ है। आगरा से कलकत्ता वेब 7, ये वेब 7 से ऊपर कोई कैटेगरी नहीं है पैसेंजर ट्रेनों के लिए, ये मुसाफिर बरदार ट्रेनें जो हैं। ओ इनको कौन नहीं पहचानता, वंदे भारत, पहली हाई सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ट्रेन 18 हावड़ा से पटना वाली। इतनी छोटी, ये तो बड़े थोड़े मुख्तसर से इस पे लगे हुए कोचेस। अब एक मुनफरद अंदाज देखने को मिलेगा, कैमरा जैसे रखा हुआ है। ओ वंदे भारत ये भी, यार इस रूट के ऊपर इतनी छोटी वंदे भारत चलती है तो मुझे 4 कोचेज लगे हैं, 4-5। जम्मू तवी से कलकत्ता, वो कश्मीर की तरफ जाती हुई। ये तो इसका मतलब है भारत के एक एंड से, ईस्ट वाले एंड से भारत के नॉर्थ वाले एंड तक जाती है। एरोडायनेमिक, ये क्या चीज़ होती है। वेब 5, ये तो नया ही इंजन लग रहा है। चलें कभी ये भी देखेंगे, विवेक एक्सप्रेस। ओ विवेक एक्सप्रेस तो भारत की सबसे लंबे रूट के ऊपर चलने वाली ट्रेन है, जो इधर कन्याकुमारी बिल्कुल तमिलनाडु के एंड से लेकर पर वेस्ट बंगाल के एंड तक जाती है, साउथ और ईस्ट के जो साहली इलाके हैं उनके साथ साथ। ये एरोडायनेमिक पहली बार सुना है लफ्ज़। हावड़ा से प्रयागराज वेब 4 लेके जा रहे हैं, प्रयागराज इलाहाबाद यानी यूपी। साथ साथ निशानदेही करनी भी ज़रूरी है जी, वो लोग कितने क्रॉसिंग करने के लिए ऊपर तक नहीं गए। बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन मुझे कोई ख़ास फ़र्क समझ नहीं आया, इलेक्ट्रिक इंजन ही दिखाई दे रहे थे, एरोडायनेमिक की कोई ख़ास डेफिनेशन समझ नहीं आ सकी। वंदे भारत तो बिल्कुल अपग्रेड टेक्नोलॉजी है ना, वो डीजल है तो वो इलेक्ट्रिक, लेकिन जो अब मौजूदा इलेक्ट्रिक इंजन चाह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। लेकिन उसके बावजूद इसको भी इस लिस्ट में शामिल किया हुआ था, तो एरोडायनेमिक्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकी ये कौन सी टेक्नोलॉजी है या कौन सी एक मुनफरद चीज़ है। लेकिन जो एक चीज़ समझ आई वो फिर इससे यही थी, जो तेज़ रफ्तार दोस्ती हुई ट्रेनें थी, शानदार उनके नज़ारे थे। लेकिन जो मकसद एरोडायनेमिक को लेकर था वो मालूमती तौर पे तो हासिल नहीं हो सका, लेकिन फिर से एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो देखने को ज़रूर मैसर आ गई। बाकी अगर आपको पता है एरोडायनेमिक रेलवे लोकोमोटिव क्या होते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, जो आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। और हम मिलके भारत की रेल को इंजॉय करते रहेंगे, क्योंकि भारत की रेल को एक बहुत ही मुनफरद अंदाज से देखा है, हर तरह से देखा है, बुलेट ट्रेन तक तो इसको हम ज़रूर देखेंगे अगर आपकी सजेशन का सिलसिला जारी रहा। क्योंकि एल्को डीजल लोकोमोटिव भी देखे हैं, डीजल लोकोमोटिव भी देखे हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी देखे हैं, और फ्री ट्रेनें भी देखी हैं, मुसाफरबरदार ट्रेनें भी देखी हैं। मुसाफरबरदार ट्रेनों की अगर मज़ीद बात की जाए तो दुरंतो, शताब्दी, राजधानी
और उसके बाद अगर सेमी हाई स्पीड ट्रेन की बात की जाए तो वंदे भारत बहुत सारी देखी हुई हैं। तो इस चैनल के ऊपर एक बहुत लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और फिर सजेशन दे के एक शानदार वीडियो हम आपके साथ मिलकर ज़रूर देखेंगे। तो इस वक्त के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।